नमस्कार, आपने लॉग इन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। एलपीजी गैस सिलेंडर रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि एयरटेल पेमेंट बैंक के कुछ खाता धारकों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। दरअसल एलपीजी सब्सिडी के आवेदन में बहुत से लोगों ने एयरटेल पेमेंट बैंक की जानकारियां दी थी। इसे लेकर अब पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आया है कि जिन लोगों ने भी सब्सिडी के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक की जानकारी दी है और उनका खाता आधार से लिंक नहीं है तो उन्हें सब्सिडी नहीं मिल रही है। वहीं ग्राहकों तक एलपीजी की सब्सिडी नहीं पहुंचने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एयरटेल को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बहुत से ग्राहकों की तरफ से ये शिकायत की जा रही थी कि उनके खातों में एलपीजी की सब्सिडी नहीं आ रही है। उनकी इस शिकायत के बाद इस मामले की छानबीन की गई। छानबीन के बाद ये बात सामने आई कि जो भी लोग ये शिकायत कर रहे हैं उन्होंने सब्सिडी के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक की जानकारी दी हुई थी। इसके बाद ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये बड़ा बयान दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये साफ किया है कि एयरटेल एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसके पेमेंट बैंक में बहुत से लोगों ने अपना खाता खुलवाया है और सब्सिडी के लिए उसे जानकारी दी हुई है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक के उन सभी खातों में सब्सिडी दी जा रही है जो हाल ही में खुलवाए गए हैं और आधार से लिंक हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए लॉग इन करिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।